है। हेलो, ये इसका पाइप के कितनी लेंथ है? ये 100 फीट की पाइप की लेंथ है। ठीक है, और इसके जेस्को है? जेस्को बोल रहा है, बहुत ज़्यादा है सारे। अच्छा, बारिश अगर नहीं हुई तो फिर क्या होगा? 7-7 देखें, ये डी वाटरिंग पंप जो है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी ने अभी परचेज किए हैं और बेहतर क्वालिटी के हैं पंप लिए गए हैं, ये ताकि मॉनसून का जो सीज़न अपकमिंग ये आ रहा है, इसमें अगर कहीं पे कोई पानी खड़ा हो जाता है किसी जगह पे तो उसको फौरी तौर पे निकाला जा सके। अभी हम ये फ़िलहाल हर जोन के अंदर दो दो दे रहे हैं, चार जोन है हमारे, मलीर, लांडी, कोरंगी, शाह फैसल। इसके अलावा हमारे पास पहले से भी कुछ पंप मौजूद हैं जिनको हम सही मेंटेनेंस करवा रहे हैं उनकी, और वो भी हमें जो है वो भी हमारे इंशाल्लाह काम आएंगे। मज़ीद हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मंथ हम मज़ीद ये 8 पंप अभी हमने लिए हैं, 8 पंप हम और ले लें तो इसकी तादाद जो है वो डबल हो जाएगी नए पंप्स की, और पुराने भी हैं तो हमारे पास सब मिलाकर जो है 15 से 20 तक पंप इंशाल्लाह हो जाएंगे, तो जो काफ़ी होंगे हमारे बरसात के अंदर अगर कहीं पे कोई इस तरह की कंडीशन होती है कि पानी कहीं जमा हो जाता है तो उसको निकालने के लिए ये पंप काफ़ी होंगे। सफाई का हमने 15 जून से अपना काम शुरू करा दिया था और आज भी वहाँ पे काम हो रहा है लांडी, कोरंगी, शाह फैसल में। मलीर का एक ही नाला है जिसमें 2 दिन हमने मशीन लगाई थी और वो काम मुकम्मल हो गया था। शाह फैसल के अंदर काफ़ी सारे नाले हैं, लांडी में काफ़ी हैं और कोरंगी में सबसे ज़्यादा नाले हैं हमारे। ये नाले बरसाती नाले थे लेकिन इन तमाम नालों में इस वक्त सीवरेज का पानी होता है, तो ये वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी भी है कि नालों से सीवरेज सिस्टम को फौरी तौर पर अलग करें ताकि बरसाती नाले दोबारा से बन सकेंगे। बहरहाल इसके अंदर कचरा होता है, इसके अंदर सीवरेज की स्लेज होती है, उसको निकालने के लिए हमारी 15 जून से मुहिम शुरू हो चुकी थी जो कि चल रही है और अगले 10-12 दिन तक मज़ीद भी हमारी ये जारी रहेगी। तो हम अपना जो जितने हमारे पास वसाइल हैं उसको बरपेकार ला रहे हैं और काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध को हमने रिक्वेस्ट की है कि 50 मिलियन रुपये दिए जाएँ, 5 करोड़ रुपये दिए जाएँ ताकि मुकम्मल तौर पर नालों की सफाई मुमकिन बनाई जा सके। तो हुकूमत सिंध ने हमसे कहा है कि जी हो सकता है कि वो डिप्टी कमिश्नर्स को पैसे दें, तो हमने उनसे ये भी कहा कि डीसी को पैसे देते हैं तो फिर उसको फौरी तौर पे उनके टेंडर होने चाहिए और उस पर फौरी तौर पे काम जो है वो स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। जुलाई के अंदर मॉनसून शुरू हो सकता है, जून जुलाई आ चुका है और अगस्त के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट है कि जी बहुत ज़्यादा बारिशें यहाँ हो सकती हैं कराची में, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध को चाहिए कि फौरी तौर पे जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन करें कि पैसे जारी किए जाएं। 12 डिस्ट्रिक्ट कोरंगी खुद से जितना कर सकता है वो काम कर रहा है। बागात की टीम हमारी ऑलरेडी मौजूद है, अभी 2 हफ्ते पहले भी एक जो बहुत ज़्यादा हवाएं चली थी तो उसमें जो दरख्त गिरे थे उसको भी उठाया था, तो ये टीम हमारी रेडी रहती है चारों जोन्स के अंदर। अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो गाड़ियाँ भी हमारे पास हैं तो उसको फौरी तौर पर हम क्लियर करा देते हैं।